हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाला रिव्यू ऑफ मैक टू द ट्रेंच। इसका फर्स्ट पार्ट 2018 में आया था और ये दूसरा पार्ट है दोस्तों। जेसन स्टैथम की ये मूवी है, शार्क की मूवी है। मैक मतलब कि शार्क, मतलब आपने अगर मैं पहले बोल दूँ कि पहला पार्ट नहीं देखा है तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप दूसरा पार्ट नहीं देख सकते, पर हाँ ये रहेगा नटशेल में आपको बता दूँ कि अगर आपको पहला पार्ट बहुत अच्छा लगा, आपने देख लिया है, तो आपके लिए शायद शायद दूसरे पार्ट में कुछ इतना कन्विंसिंग, इतना ज़बरदस्त वाओ फैक्टर नहीं है। तो हाँ, मेरे साथ मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने पार्ट वन नहीं देखा था, उसको ये फिल्म अच्छी लगी है, ओके ओके गुड लगी है, पर जिसने मैक वन देख ली थी तो उसके लिए कुछ ज़्यादा देने के लिए इसमें नहीं था। बात करते तो इसकी स्टोरी लाइन की, तो जो जेसन स्टैथम की जो जॉनस है उसकी जो पूरी टीम होती है वहाँ पर नीचे रिसर्च करने के लिए जाती है अंडर द ग्राउंड, उसके लिए दो शटल्स होते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है कि कुछ एक वहाँ पर अनलीगल माइनिंग एक्टिविटीज़ होती है बहुत डीप में, और फिर उसके साथ वो मुठभेड़ हो जाती है। तो ये मैन वर्सेस मैन ज़्यादा है रादर देन मैन वर्सेस शार्क। तो फर्स्ट हाफ में तो कुछ शार्क आपको दिखाएगी नहीं। तो हाँ, थोड़ा ये डिसअपॉइंट लगा कि यार अभी एक घंटा हो गया है, शार्क भी नहीं आई। तो मतलब अच्छा है, मतलब वहाँ पर जो अंडर वाटर सिक्वेंसेस है बहुत ही थ्रिलिंग है, बहुत ही अच्छा है। तो यस, अच्छा है दोस्तों, फर्स्ट हाफ भी अच्छा है, पर जब शार्क सेकेंड हाफ में आती है और लेट हाफ में आती है तब जाके वो लास्ट 30 मिनट्स का है ना, तो वो रोमांच बहुत ज़्यादा है। फिर बहुत सारे क्रीचर्स भी आते हैं, एक बड़ा सा ऑक्टोपस आता है, बहुत छोटे छोटे डायनासोर्स आते हैं। तो पर क्या है दोस्तों, इसकी स्टोरी है ना वो पूरी वेग जा रही है, मतलब कि आपने पूरा देख लिया मूवी तो नीचे जाते हैं, फिर उसके साथ मुठभेड़ हो जाती है, तो नीचे जाने का कोई मकसद नहीं है, बड़ा मुश्किल से वो सब बाहर आए तो एक आईलैंड दिखाते हैं फन आईलैंड करके। फन आईलैंड में बहुत सारी प्रॉब्लम आ जाती है, जो ऑक्टोपस वगैरह कुछ आ जाता है वहाँ पर भी, वो मैक्स आ जाती है वहाँ से बच जाते हैं। पर दोस्तों मतलब क्या आपने क्या दिखाया, जो भी कुछ दिखाया ठीक है, तो पर आपको कहना क्या चाहते थे? ऐसे टाइम पास कर दिया यार, इतना करोड़ों का नुकसान कर दिया, तो कुछ कोई भी स्टोरी है ना उसमें कोर होना चाहिए, तो आपको कनेक्ट करती है। इसमें ऐसा नहीं बोल रहा कि मतलब थ्रिलिंग नहीं है, उसमें एक्शन सिक्वेंसेस नहीं है या कुछ ऐसा, कुछ अच्छे अच्छे सीन्स नहीं है। 3D में तो बहुत शानदार लगता है, 4-5 सीन तो इतने बहुत ज़बरदस्त है ना कि यार मज़ा आ जाएगा। तो यार डेफिनेटली अगर आपको मेक टू देखना है तो आप 3D में ही देखना, तो ही आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। बाकी 2D में मुझे इतना नहीं लगता कि यार, क्योंकि स्टोरी इतनी अच्छी नहीं है। तो मेरे हिसाब से दोस्तों इस मूवी को 3.5 स्टार आउट ऑफ 5। दोस्तों अगर आपने मैक वन देख ली है तो शायद आप वो एक्सपेक्टेशन के साथ मत जाना, अगर आप मैक वन नहीं देखी है तो डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप देखिए, आपको मज़ा आ जाए। अगर आपने देख लिया मुझे बताना कैसी लगी। थैंक यू सो मच।